चित्तौड़गढ़ में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। व्यापारिक प्रतिष्ठान दोपहर 1 बजे तक बंद रहे, साथ ही रोडवेज की बसें भी बंद रही। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति संयुक्त मोर्चे की ओर से शहर से एक विशाल रैली निकाली गई। नारेबाजी करते हुए कलेक्टर चौराहे पर पहुंचे तथा उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया तथा उन्होंने कहा कि एससी एसटी वर्ग को 2 भागों में विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको लेकर एससी एसटी समाज में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि उनकी अन्य मांगे भी है। इसको लेकर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा तथा आरक्षण में विभाजन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में इससे भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। रामेश्वर बेरवा एससी एसटी महासभा चित्तौड़गढ़ का महारैली का संयोजक हूँ। क्या है आज मामलों को लेकर प्रदर्शन किया गया है? जो आज भारत बंद किया गया है, हमने 21 अगस्त को तो पूरे भारतवर्ष में बंद किया गया है हमारे संविधान के साथ, और आरक्षण के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो विचार रखा है, उस विचार पर हमने सभी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। और आज हम सब लोगों ने काफ़ी हज़ारों की भीड़ में यहाँ प्रदर्शन किया, रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। किस तरह का निर्णय था उसमें? देखिए, उसमें कोटे में कोटा उप वर्गीकरणीय है, ये हमारे लिए बहुजन समाज के लिए बिल्कुल सही निर्णय नहीं है। और ऐसे एसटी समाज को 2 भागों में बांटने का जो काम किया है, ये हम इसको सहन बर्दाश्त नहीं कर सकते और सहन नहीं कर सकते। अभी हमारी जो मांगे हैं वो मुख्य मांगे हैं कि जो संविधान बना हुआ है बाबा साहब के द्वारा, उस संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, और जो हमारा संविधान जो आरक्षण है उसको 9वीं सूची में रखा जाए, ये हमारी मांग है। इसके अलावा जितनी हमारी आबादी है एससी एसटी की, उतना आरक्षण हमें मिले, ये हमारी मांग है। खत्म किया जाए, अन्य ऐसा नहीं करने पर अगली बार अगर मांगे मान ली तो ठीक, नहीं तो इससे भी और जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। की बात जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें विभाजन करने का काम किया है कि टुकड़ों में बटे, फूट डालो राज करो, वो नीति वंचित वर्ग अधिकार सबको है, आप शिक्षा ग्रहण करो। फिर विरोध क्यों? विरोध इसके लिए है उप वर्गीकरण और क्रिमिनल, यानी हमारा जो एससी का कोटा है, एससी एसटी का, उस कोटे से उसको, उसमें क्या है कि आजकल हर व्यक्ति आईटीआर फाइल कर रहा है, आईटीआर फाइल करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को आरक्षण व्यवस्था से बाहर कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं है। आवाज़ नहीं आ रही।